ये वाले जो तीन रिक्शे हैं ये बॉडी वाइज भी काफी ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, छोड़ते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है। सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर। मेरी एक वीडियो के नीचे मुझे एक बहुत प्यारे भाई का कमेंट आया, मुझे कह रखा है भाई साजगार ऑटो रिक्शा फारिग है, ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इतना ज्यादा लोड नहीं उठाता और ये आजाद कश्मीर वाली साइड पर चलता है। सर जी आप अपनी जगह पर राइट कह रहे हैं, बिल्कुल आप 100% कह रहे हैं, ये आम शहरों में नहीं चलता। साजगार तेज रफ्तार और रोजगार ऑटो रिक्शा सिंध और कराची वाली साइड पर ज्यादा चलते हैं। अगर आप लोग सिंध और कराची वाली साइड पर जाके न्यू एशिया और सिवा के ऑटो रिक्शे को ढूंढोगे तो आप लोगों को बहुत ही मुश्किल से वो वाले रिक्शे आप लोगों को वहां पे नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे इन चीज की मार्केट ही नहीं है। वहां पे मार्केट है तो रोजगार की, तेज रफ्तार की और साजगार की। ये वाले जो तीन रिक्शे हैं ये बॉडी वाइज भी काफी ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं कंपनी की तरफ से। इंजन इनका 200 सीसी ही है। अगर हम लोग बात करें न्यू एशिया, सीवा, तेज रफ्तार, रोजगार, साजगार के जो इंजन है, इनके इंजन 200 सीसी ही है और सिर्फ हम लोगों का ये एक गलत कंसेप्ट है, वो इतना ज्यादा जोर नहीं उठा रहा। सर जी अगर वो जोर नहीं उठा रहा तो हो सकता है उसकी क्लच प्लेटों का मसला हो सकता है उसकी प्रेशर प्लेटों का मसला हो, क्योंकि 200 सीसी की इंजन उन ऑटो रिक्शों के अंदर मौजूद है और 200 सीसी की इंजन उन ऑटो रिक्शों के अंदर मौजूद है। बात आप लोगों को बताने बिल्कुल लाजमी है, न्यू एशिया और सीवा ऑटो रिक्शे का जो फर्क है, रेट का फर्क है, कीमत का फर्क है, वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम ये दो रिक्शों के साथ तीन रिक्शों को कंपैरिजन करेंगे तो तीन रिक्शे इनसे महंगे होंगे। महंगे क्यों होंगे? वो बॉडी वाइज काफी ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं कंपनी की तरफ से, इस वजह से सर जी वो उनका रेट और है और इनका रेट और है। लोग अलग अलग शहर में जाके ऑटो रिक्शों के सफर करते हो तो वहां पे आप लोगों को अलग अलग मार्केट देखने को मिल जाती है। लोग रोजगार, तेज रफ्तार और साजगार को भाई छोड़ते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी और मजबूत चीज बनाई गई है। अगर आप लोगों के पास ऑटो रिक्शा के मतलब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो भैया मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब मैं लाजमी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।